तो ये लूप फ्लो को शो कर रहा है। उसके बाद ये एक और फ्लो चार्ट के तौर पे एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐड किया, स्टार्ट गेट से ट्रीट इस से ट्रीट इवन, यस तो डिस्प्ले करें ईस्ट बाउंड्री, अगर वो ऑड है तो वो वेस्ट बाउंड्री है, फाइनली दोनों के बाद वो ईस्ट बाउंड्री शो करे या वेस्ट करे, दोनों सूरतों में उसने प्रोग्राम को एंड करना है, तो आपके टास्क ने एंड होना है, तो ये दोनों की तरफ पेज कनेक्टर यहाँ पे यूज हुआ है। फिर उसके बाद हमारी क्लास एवरेज एल्गोरिदम, एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे ऐड करते हैं प्रॉपरली कि क्लास की एवरेज कैलकुलेट करनी है। प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट द एंड रिपोर्ट द ग्रेड पॉइंट एवरेज फॉर अ क्लास, एक क्लास की ग्रेड पॉइंट एवरेज जीपीए निकालना। सो डिसीजन क्या होंगे इसके अंदर, द एवरेज ग्रेड इक्वल द सम ऑफ ऑल ग्रेड्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो एवरेज निकालने का फार्मूला है एक्चुअली वो डिसीजन है। आउटपुट क्या होगी, एक एवरेज ग्रेड मिलेगा, इनपुट क्या है, स्टूडेंट्स के ग्रेड मिलेंगे। प्रोसेसिंग क्या होगी, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेड, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कैलकुलेट द एवरेज। तो जो टास्क हम प्रोसेस कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करेंगे, एक्चुअली वो हमारे प्रोसेस है, किन चीजों से हम डाटा लेंगे वो इनपुट है, दिखाना क्या है वो आउटपुट है, डिसीजंस क्या होने हैं जो हम कंडीशन लगाएंगे, तो कंडीशन हमारी डिसीजन है। तो ये क्लास की एवरेज कैलकुलेट करने का एक एल्गोरिदम है जिसकी हमने प्रॉब्लम को एलैबोरेट किया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो है सूडो कोड। एक्चुअली सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड कोई नई चीज नहीं है, एक्चुअली आपके प्रोग्रामर, देखें प्रोग्रामर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो काम करेगा तो उसका अपना एक स्टाइल है काम करने का। एल्गोरिदम एनालिस्ट जो एल्गोरिदम राइट करता है, डिजाइन करता है, उसका अपना एक वे ऑफ वर्किंग है, तो दोनों में डिफरेंस है। वो दोनों का जो डिफरेंस है एक्चुअली वो क्या है, दोनों के बिटवीन। अब एल्गोरिदम जरूरी नहीं होता कि एल्गोरिदम राइट करने वाला शख्स जो है वो एक प्रोग्रामर भी हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक प्रोग्रामर एक अच्छा प्रोग्राम एल्गोरिदम डिजाइनर भी हो। तो इन दोनों के बिटवीन हम एक रास्ता निकालते हैं जिसमें एल्गोरिदम वाले को भी समझ आ सकती है चीज और प्रोग्राम वाले को भी समझ आती है। इसमें हम बेसिकली सूडो कोड क्या होता है, दैट इज अ मिक्सचर फॉर्म बिटवीन द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, अपना प्रोग्राम, प्रोग्राम और एल्गोरिदम के बिटवीन जो फॉर्म होती है उसे हम सूडो कोड कहते हैं। जैसे आप नोट करें तो इंग्लिश लाइक वर्ड के अंदर ये चीज डिफाइन हुई है, इसके अंदर कहीं पर स्टेप्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन प्रोसीजर लिखने का तरीकाकार वही है एक प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है। क्योंकि आप लोग प्रोग्राम्स से अभी फेमिलियर नहीं है, इट्स ओके, डोंट वरी, डोंट परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आगे प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सूडो कोड एक्चुअली क्या है, एक एल्गोरिथम और एक प्रोग्राम, इन दोनों के बिटवीन जो एक कम्युनिकेशन चैनल है जिससे एल्गोरिदम को भी एलैबोरेट किया जा सकता है, एल्गोरिदम की लॉजिक को भी समझा जा सकता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। सो प्रोग्राम क्या था, डिटरमिन द एवरेज ग्रेड ऑफ अ क्लास, इनिशियलाइज काउंटर एंड सम टू जीरो। हमने अभी स्टार्ट में दो वेरिएबल लिए, एक काउंटर और एक सम, दोनों को भी जीरो सेट किया। अगर आप एक बार दोबारा उस प्रॉब्लम को देखें तो प्रॉब्लम क्या है, हमने एवरेज ग्रेड कैलकुलेट करना है एक क्लास का। तो एवरेज ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक काउंटर चाहिए जो काउंट करेगा, अच्छा इतने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं। सम क्या करेगा, उन सब के एवरेज पॉइंट्स को सम करेगा। तो सम करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, एक काउंट करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। सो काउंटर एंड सम दो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करवाए हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप उनको बनाते भी हैं और वैल्यू भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक लूप चलाई, डू व्हाइल। डू व्हाइल का मतलब है एक लूप में काम करो, एक प्रोसेस के अंदर काम करो। वो प्रोसेस क्या है, देयर आर मोर डाटा, आगे डाटा और भी है, उसको कलेक्ट करते जाओ, गेट द नेक्स्ट ग्रेड, अगले कैंडिडेट का ग्रेड उठाएं, उसको सम के अंदर ऐड करें, काउंटर को इंक्रीमेंट करें और इस लूप को चलाते जाएं जब तक कि आपकी सारे स्टूडेंट्स की ग्रेड आपके पास कैलकुलेट नहीं हो जाते। अब फॉर एग्जांपल चार स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट वन का डाटा उठाया, सम के अंदर ऐड कर दिया, सम अभी जीरो है, तो जीरो प्लस पहले का डाटा जो है वो ऐड हो गया, फिर अब सम के अंदर ऐड हो गया, अब सम को दोबारा हमने एडवांस किया, फिर ऐड किया, फिर ऐड किया, और काउंटर जब जब स्टूडेंट को हम रीड करेंगे तो हम काउंटर को एक इजाफा करते जाएंगे, पहले दफा एक होगा, फिर दूसरी दफा दो हो जाएगा, फिर तीसरी दफा तीन हो जाएगा, एंड सो ऑन, लास्ट टाइम पे वो अपने एंड तक आ जाएगा भी हाँ भी इतने लोग इसके अंदर काउंट हुए हैं। सम को डिवाइड करेंगे काउंटर के साथ तो हमारी एवरेज निकल आएगी, फाइनली हम एवरेज को डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये लॉजिक एलैबोरेट कर रहा है एक क्लास के एवरेज को कैलकुलेट करने की। फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आप लोगों के लिए कि कुछ चीजें याद रखिएगा, फ्लो चार्ट्स आर टाइम कंज्यूमिंग टू राइट एंड डिफिकल्ट टू अपडेट। टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इस पर काफी टाइम लगता है बनाने में। सो आप गूगल पे सर्च करें, आपको बने बनाए फ्लो चार्ट मिलेंगे, आपने जो एल्गोरिथम्स बनाए हैं आप उनको फ्लो चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं चाहते हैं कि एग्जाम्पल्स ग्रामेटिकली आपके साथ शेयर भी करूंगा, इमेजेस उनकी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको आइडिया मिल सके, लेकिन उससे पहले ये टास्क आप खुद कंप्लीट करें। आप अपने जो एल्गोरिथम की असाइनमेंट आपने की है उस एल्गोरिथम को आप फ्लो चार्ट में शिफ्ट करें,
For this reasoning, professional programmers are more likely to favor pseudocode and hierarchy chart. अब होता ये है कि professional life में flow chart ना बड़ा time consuming होता है काम. एक navy person को एक आम बंदे को समझाना बड़ा आसान होता है. लेकिन एक programmer की ज़बान पे बड़ा time wasting होता है. So because flow charts so clearly illustrate the logical flow of programming techniques, so they are valuable tool in the education of programmers. कि programmer को सिखाने के लिए ज़रूरी है. So इसलिए हम ये इस course के अंदर पढ़ते हैं. ये कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. सो देयर आर मेनी स्टाइल्स ऑफ सुडोकोड. सुडोकोड को लिखने के बड़े स्टाइल्स होते हैं. सम प्रोग्रामर्स यूज अ आउटलाइन फॉर्म. कुछ आउटलाइन को यूज करते हैं. कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टाइल को यूज करते हैं. कुछ जो है वो केस स्टडी बेस्ड डिफाइन करते हैं. सो देयर आर मल्टीपल स्टाइल्स. तो याद रखिएगा, एक काम को करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता. एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. इट्स अप टू यू कि आपके लिए मोस्ट फेवरेबल मेथड कौन सा है, आपके लिए बेहतरीन चीज क्या है, आप किस तरह से चीजों को एलैबोरेट करते हैं. That is an important thing. तो चीजों को अंडरस्टैंड किया करें. अब ये स्लाइड जितनी भी हैं, हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने फ्लो चार्ट की बात की. फ्लो चार्ट के बाद हमने कुछ सिंबल्स को स्टडी किया. सिंबल्स के बाद हमने अपने एक दो एग्जाम्पल्स को कोड किया. उन एग्जाम्पल्स के बाद हमने कुछ टिप्स देखे, कुछ गाइडलाइंस देखी, कुछ ट्रिक्स देखे. अब अपने तौर पर, ये मैं एक छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूँ, अपने तौर पर आप लोग क्या करें, गूगल पे सर्च करें, फ्लो चार्ट की डिटेल निकालें. सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको समझना है, रीड आउट करना है, कंक्लूड करना है, और इसके ऊपर छोटा सा एक नोट्स तैयार करने हैं अपने कि व्हाट इज फ्लो चार्ट, व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड सिंबल्स इन फ्लो चार्ट, एंड टू या थ्री एग्जांपल उसके अंदर कोड करें, और कुछ गाइडलाइंस, कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी फ्लो चार्ट से रिलेटेड आप उसमें एड अप कर लें. सो दैट इज योर स्पेशल टास्क. मैं होप सो के एक दो दिन में या मे बी पॉसिबल के आज जब ये लेक्चर अपलोड हो तो उसके साथ ही टास्क भी पोस्ट कर दूं, तो वो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में पोस्ट करूं. सो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लेक्चर भी अच्छे तरीके से सुने और उन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करें. तब तक ये प्रॉब्लम चलता है, हम उन चीज़ों को ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़.